इसकी सर्विंग जो है वो प्लेटों भी नहीं होती, थाल के अंदर होती है। जो बिरयानी होती है ना वो मज़ा ही थाल के अंदर और फुल रसीले रसीले चावल जितने भी होते हैं ना तो मज़ा नहीं आता। वो जो स्पाइसी लवर्स हैं वो इस बात को जो है वो बहुत अच्छे तरीके से जान सकते हैं। और बिरयानी जो है वो बीफ की होती है, चिकन में बिरयानी नहीं होती है। चिकन के अंदर तो आप काम चला लेते हैं, एक्चुअल में जो बिरयानी होती है वो बीफ की होती है। और फिर नल्ली ऐड हो जाए उसमें तो फिर मज़ा ही अलग हो जाए। अच्छा बोटी आप चेक कर सकते हैं, ऐसी गली हुई है कि आपने जो है वो कोई लड़ने झगड़ने की ज़रूरत नहीं है। एक हाथ से ही जो पूरा गोश्त जो है ना वो आपके हाथ में जो है वो पूरा फुल। और नल्ली आप देख सकते हैं इसके अंदर, ये नल्ली है। वाह, तो मैं पहले इसका जो है वो बाइट लेके आपको बताता हूँ। राइस आप देख सकते हैं, इसे कहते हैं रसीली। इसके अंदर जो ये जो यखनी है ना, ये यखनी जो है वो इसके अंदर जो है वो थोड़ी सी छोड़ी जाती है कि वो स्पाइस इसके साथ बिल्कुल आपको ड्राई बिल्कुल ड्राई ना लगे राइस। तो अब मैं इसके अंदर जो है थोड़ा सा जो है वो ये ऐड करता हूँ इसके अंदर, और फिर इसके अंदर थोड़े से जो है वो ये आपका मीट ऐड होगा। ये आप देख सकते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुंह में जाते ही घुल रहा है, इतना इतना बेहतरीन तरीके से गोश्त कुक हुआ है और नल्ली इतनी ज़बरदस्त लग रही है इसके साथ। और ज़्यादा स्पाइस की बात है, आप आपके ऊपर है, आप अपने हिसाब से जो है वो राइस में ज़्यादा मसाला लवर हैं तो आप जो है उनसे कह सकते हो आपको मसाला जो है वो स्पेशली वो जो है वो उसमें लोड कर देंगे। हमने जो है वो बैलेंस रखवाया है इसमें जो है वो, आप देख सकते हैं वाइट राइस भी है और मसाले वाले भी हैं। अगर आपको जो है मसाला पसंद है तो मसाला जो है वो आपके साथ जो है वो अलग से यहाँ पे मौजूद है। ये देख सकते हैं मसाला, मैं दोबारा गोश्त उसमें लेता हूँ। बैर मंजरी तो कराची के अंदर तो वैसे बिरयानी आपको हर जगह मिल जाएगी, मगर जो बात हौसले की है ना, एक और चीज़ बड़ी ज़बरदस्त जो मुझे पता लगी वो इनके ऑनर ने भी बताई है कि इसके अंदर ना घी ना तेल कुछ इस्तेमाल नहीं होता। ये स्पेशली जो है वो जो आपके मीट है मीट के ही यखनी के अंदर ये बनती है। मैं लास्ट में कोशिश करूँगा कि उनका इंटरव्यू मिल जाए क्योंकि काफ़ी रश है और उनसे टाइम लेना भी काफ़ी मुश्किल है। अब तो काफ़ी पॉपुलर हो चुके हैं वो, तो भाई हाईली रिकमेंडेड, ज़रूर ट्राई करिएगा। बहुत ही मशहूर कौसिया बिरयानी। हम लोग एक मुद्दत से प्लान कर रहे थे मगर यहाँ आना नहीं हो रहा था, तो आज हमने कहा यार चलते हैं और अपने नाज़रीन को दिखाते हैं कौसिया की नली बिरयानी। डिलीशियस, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है गोश्त और लग रहा है बिल्कुल अभी अभी देख से उतरा है, और इसकी फ्रेशनेस आप अंदाज़ा जो है ना लाइव खा के लगाते हैं। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ, और गोश्त प्रॉपर कुक्ड है, गला हुआ है, नली भी है, और गोश्त की जो क्वांटिटी है बिल्कुल ज़बरदस्त है। नली बिरयानी के ऑनर है मोहम्मद साकिब साहब, आइए अब उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं इसका राज और इसकी रेसिपी, सीक्रेट रेसिपी जो कि उन्होंने हमें बता दिया है कि हम उन्होंने किसी से सीक्रेट नहीं रखी, बल्कि इससे पहले ही कई शोज़ पे लाइव वो दे चुके हैं और पका भी के दिखा भी चुके हैं, डेमोस्ट्रेशन भी दे चुके हैं। नाज़रीन मिलते हैं, अस्सलाम वालेकुम साकिब। वालेकुम सलाम सर, ये इसके बारे में बताइएगा कुछ, इसका एक तो थोड़ा सा ट्रक बता दीजिएगा कि कैसे शुरू किया, क्या हुआ सर। माशाल्लाह से गोसिया नल्ली बिरयानी को 1992 से स्टार्ट हुई है, पर नल्ली का ट्रेंड ये अभी 2 साल 5-6 महीने हुए तकरीबन गोसिया नल्ली बिरयानी, यानी नल्ली का कोई ट्रेंड नहीं था। कोई बोलता है मैं 50 साल से बेच रहा हूँ, कोई बोलता 30 साल से, झूठ बोलते हैं लोग। और ये नल्ली भी माशाल्लाह, ये नल्ली भी आप लोगों के तबस्सुम से, जैसे आप लोग यूट्यूबर हैं, आप लोग ही आए थे, यूथ माशाल्लाह से ये नया निकला है। अल्लाह ताला ने ये भी एक वसीला बनाया कारोबार के लिए लोगों का, अल्लाह ताला आपके भी रिस्क में इजाफा फरमाए, सबके रिस्क में इजाफा फरमाए। फिर इसको लड़कों ने गोसिया बीफ बिरयानी को नाम दिया गोसिया नल्ली बिरयानी। मैं नहीं बोलता यार, मैं शुरू से नल्ली बिरयानी बनाता था, ये करता था। अच्छा, तो खाने के बाद बीफ बिरयानी और ये नल्ली बिरयानी की जो रेसिपी में फ़र्क है वो बता दीजिएगा। सर फ़र्क ये है माशाल्लाह से, ये बगैर ऑयल बगैर घी के बनती है। अच्छा। और ये नल्ली और गोश्त की यखनी में बनती है। अच्छा। ये कोई सीक्रेट नहीं, कोई कुछ नहीं, माशाल्लाह ये बताते हैं इल्म बढ़ता है ऐसी ही माशाल्लाह, हमारे रिस्क में अल्लाह ताला इजाफा फरमाता है। इसी तरीके से आप किसी से कुछ छुपाएंगे तो छुपाएंगे, अल्लाह की देन है, गॉड इज़ गिफ्ट।
भाई नाज़रीन मोहम्मद साकिब साहब का बहुत ही अच्छा अल्लाह पे एतमाद और तवक्कल है कि भाई मेरे पास जो चीज़ हुनर है, जो चीज़ मेरे पास सीक्रेसी है, वो मैं लोगों से बांटूंगा तो वो बढ़ेगी और देने वाली ज़ात अल्लाह की है बेशक। तो यूट्यूब्स और इनके यही चैनल्स के तवस्सुत से इनका कारोबार भी चला, अल्लाह ने हाथ भी पकड़ा और ये आज भी इतनी हम्बल और डाउन टू अर्थ आदमी हैं कि वो हर किसी को वेलकम करते हैं और पूरे तबाक इस्तकबाल करते हैं। या गौसियन अली बिरयानी पहले पाकिस्तान लेवल पे थी, माशाल्लाह अब वर्ल्ड फेमस हो चुकी है अल्लाह की रहमत से और आप लोगों के तबस्सुम से, आप लोगों की मोहब्बत से। और ये मैं चाहता हूँ कि पहले दूसरे मुल्कों के नाम आते थे खाने के अंदर, अब माशाल्लाह वर्ल्ड के अंदर नाम आता है पाकिस्तानी खानों का और गौसियन अली बिरयानी का। तो इसलिए मैं बोलता हूँ अपने पाकिस्तानी खानों को, हर चीज़ पाकिस्तानी को लाइक करें, शेयर करें दूर दूर तक हर पाकिस्तानी को, क्यों ऐसा पाकिस्तानी होना हमारा फ़र्ज़ है। तो दूसरे भी अपने मुल्क को करते हैं, हम भी अपने मुल्क को आगे से आगे हर चीज़ के अंदर और आगे लेके आए, हर चीज़ में अप्रिशिएट करें। गौसियन अली बिरयानी हो या कोई भी हमारे इंजीनियरिंग से हो, माशाल्लाह डॉक्टर्स हो हमारे, सबका हमें हौसला बढ़ाना चाहिए क्यों हम ऐसा पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तानी एक मेहनत और ईमानदार कौम है, हमारा मैसेज जाएगा दुनिया के लिए, पाकिस्तान जिंदाबाद। अब्दुल्ला आदिल भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और मोहब्बत से सब एक दूसरे के साथ मोहब्बत से पेश आए। बहुत शुक्रिया सर, बहुत।